नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटीएस टेक इन्फो। एटीएस टेक इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम देखने वाले हैं कैसे हम जो बैंकिंग सिस्टम कैसे इस्तेमाल करेंगे, मतलब आपके अकाउंट है, अकाउंट में जो सेविंग होता है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन किया जाता है और आपका मैच्योरिटी अमाउंट कैसे आता है, ये सब हम देखेंगे कैसे एक्सेल में करेंगे। देखिए, पहले हम उस सेल को सिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद मौज एंड सेंटर, और उसके बाद हम यहां पर लिख देते हैं बैंकिंग सिस्टम। उसके बाद सीरियल नंबर, स्टार्टिंग में सीरियल नंबर, उसके बाद अकाउंट नंबर, A/C मतलब अकाउंट नंबर, NO नंबर, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम मींस कस्टमर नेम, यहां पर क्लिक करके आप इसको रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। देखिए, रैप टेक्स्ट हो गया, यहां पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहां पर लिखेंगे स्टार्टिंग ईयर, आपके अकाउंट कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, यहां पर क्लिक करके इसको भी रैप टेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद मैच्योरिटी ईयर, मैच्योरिटी ईयर इसको भी वैसे ही रैप टेक्स्ट। देन टाइम पीरियड, पहले भी आप टाइम पीरियड भी रख सकते हैं, पहले टाइम पीरियड, उसके बाद मैच्योरिटी ईयर, यहां पर इसको एडजस्ट कर दूंगा। देखिए, उसके बाद अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिटेड, अमाउंट डिपॉजिटेड, जो भी अमाउंट आपका फिक्स डिपॉजिट होगा वो इसको आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ FD, FD मतलब फिक्स डिपॉजिट। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद इंटरेस्ट अमाउंट, उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं।
यहां पर लिखेंगे मैच्योरिटी, मैच्योरिटी अमाउंट, इसको एडजस्ट कर देते हैं, देखिए हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कैसे इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। देखिए यहां पर बैंकिंग सिस्टम का डबल एस हो गया है, देखिए यहां पर सिलेक्ट करके हम इसको ऑल बॉर्डर्स दे देते हैं, क्लिक ऑन ऑल बॉर्डर्स, देखिए हो गया। बोल्ड भी कर देते हैं, यहां पर मिडिल अलाइनमेंट यहां पर एडजस्ट कर देंगे, हो गया। उसके बाद हम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम को भी आप साइज बड़ा कर देते हैं, यहां पर इसको भी एडजस्ट कर देते हैं, देखिए मोजन सेंटर क्लिक कर दिए। उसके बाद हमारा यहां से यहां तक सिलेक्ट करके फिर से मोजन सेंटर हो गया। उसके बाद इसको कलर देते हैं, दे देते हैं, बोल्ड। उसके बाद बैकग्राउंड इसको भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, और कलर दे देते हैं। उसके बाद इसका बैकग्राउंड हम रखेंगे ये कलर। उसके बाद टेक्स्ट कलर येलो, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद अकाउंट नंबर वैसे ही, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आपका अकाउंट नंबर जो होगा वो अकाउंट नंबर देंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं। उसके बाद अकाउंट होल्डर्स नेम जो भी होगा, अभी एग्जाम्पल के लिए एबीसीडी दे देता हूं, आप जो भी नाम होगा अकाउंट होल्डर का वो पुट कीजिए। स्टार्टिंग ईयर फॉर एग्जाम्पल 2014, 2015, 2017, 2018। उसके बाद टाइम पीरियड, अगर ये 5 ईयर्स का, ये 3 ईयर्स, उसके बाद ये 6 ईयर्स, उसके बाद ये 5 ईयर्स, उसके बाद ये 4 ईयर्स। टाइम पीरियड कौन से, कितने टाइम पीरियड तक ये फिक्स डिपॉजिट रहेगा। अगर आप 5 ईयर्स देंगे तो 5 ईयर्स मतलब मैच्योरिटी ईयर कितना आएगा, स्टार्टिंग ईयर प्लस टाइम पीरियड, दैट मीन्स आपका 2021 को, 2017 को आएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग ईयर्स है 2014 प्लस टाइम पीरियड है 5, 2019। इधर 2015 को स्टार्ट किया तो 3 ईयर्स 2018 को होगा। दिस सेल D4 प्लस E4, एंटर। सिमिलरली यू कैन ड्रैग इट, देखिए सर आ गया।
उसके बाद अमाउंट ऑफ फिक्स, जो भी अमाउंट आप फिक्स रखेंगे वो अमाउंट लेंगे। उसके बाद देखिए बहुत इजी है, अभी हम देखेंगे इंटरेस्ट कितना है। देखिए अगर 7% इंटरेस्ट है, अगर 10% 10, उसके बाद यहाँ पर 8%, यहाँ पर 7%, यहाँ पर 8%, यहाँ पर 7% इंटरेस्ट है, तो देखिए 7.5 भी लिख देते हैं, 7.5। उसके बाद यहां पर अभी कैलकुलेशन होगा, मेन कैलकुलेशन इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकलेगा देखिए, ये वीडियो टोटली ध्यानपूर्वक देखिए, आपका बहुत ही काम आएगा। इक्वल टू यहां पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, SI इक्वल टू PTR डिवाइड बाय 100। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, यहां पर टाइम पीरियड क्या है, ये टाइम पीरियड T है, और R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और P अमाउंट फिक्स्ड। देखिए इक्वल टू P, यहां पर इंटू टी, यहां पर इंटू आर, यहां पर डिवाइड बाय 100, एंटर। देखिए इंटरेस्ट अमाउंट आ गया, फिर से बताता हूं, इक्वल टू आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, यहां पर 2 लाख से, यहां पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इनटू सिंबल दीजिए, एस्ट्रिक सिंबल, टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पर टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड में क्लिक कीजिए, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, क्लिक कीजिए, डिवाइड बाय 100, हो गया। इसको हम ड्रैग कर देते हैं, देखिए आ गया, ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। मैच्योरिटी अमाउंट कैसे निकलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट मतलब आपका मैच्योरिटी अमाउंट, एम ए मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस पी, जो भी इंटरेस्ट आएगा और प्रिंसिपल का एडिशन हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स्ड G3 है प्लस आपका इंटरेस्ट यहां पर आया है I3, एंटर, हो गया। फिर से बताता हूं, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट क्लिक कीजिए, यहां पर सेकंड का है G4, क्लिक कीजिए, उसके बाद प्लस आपका इंटरेस्ट अमाउंट यहां पर है I4, एंटर। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू मैच्योरिटी अमाउंट, यहां पर ड्रैग कर दीजिए, आ गया, बहुत ही इजी है। यहां पर हम इसको कलर दे देते हैं, देखिए हो गया, ये दो फॉर्मूला यूज किए हैं हम। तो फॉर्मूला SI इक्वल टू PTR डिवाइड बाय 100, पी मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद टी मतलब टाइम पीरियड, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां पर मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज
subscribe our channel ATS Tech Info and also like and share the video to others so that they can be benefited. Thank you. Have a nice day.